मोदी सरकार मुसलमानों को करीब लाने की कोशिश कर रही है और उसके लिए मुंबई में जाकर बोहरा मुसलमानों के साथ एक प्रोग्राम भी किया, एकेडमी का इफ्तिताह हुआ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या बोहरा मुसलमानों को और पसमानदा मुसलमानों को साथ लेकर दूसरे मुसलमानों को मारने का काम करेंगे? राजस्थान में बीजेपी के ही एक अनुयायी जमात बजरंग दल ने 2 लड़कों को जिंदा जला दिया, मुसलमानों को। सरकार खामोश है। और इसके अलावा दिल्ली के अंदर, दिल्ली में परसों रात में यानी 16 की रात में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता, बजरंग दल और वीएचपी के सैकड़ों कार्यकर्ता जामा मस्जिद के सामने पहुंचे, वहां बम बम बोले के नारे लगाए, जय श्री राम के नारे लगाए और हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए और जामा मस्जिद के ऊपर भगवा लाइट फहराई जामा मस्जिद के ऊपर। क्या चाहते हो भाई आप? ये तो भला हो जामा मस्जिद के मुसलमानों का कि उन्होंने एक्शन का रिएक्शन नहीं किया, नहीं तो पता नहीं कितने लोग जो है अपनी जान गंवा बैठते। शर्म की बात है, ऐसा हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। मुसलमान बड़ी समझदारी के साथ काम कर रहा है, सब्र का इम्तिहान लेना भी ठीक नहीं है। हम आपस में भाई भाई हैं, भाइयों की तरह रहो, डराने धमकाने की बात ना करो। मुसलमान इस देश में डरकर और सहम कर नहीं रहेगा, क्योंकि हम इसमें संवैधानिक रूप से रह रहे हैं। हमने इसके लिए, हमारे पुरखों ने जान की कुर्बानियां दी इसको आज़ाद कराने के लिए। ये देश हमारा भी इतना ही जितना तुम्हारा है। हम यहाँ कोई भीख मांगने के लिए या तुम्हारे रहमोकरम पर रहने वाले नहीं हैं। इसलिए सरकार को जवाब देना पड़ेगा इन दोनों वाक़यात का। क्या सरकार इसमें शामिल है या सरकार को इसका पता नहीं था? अगर पता नहीं था तो इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और अगर सरकार इसमें साथ है तो बताए कि सरकार के मैं इसमें साथ हूँ, और फिर पसमानदा और बोरा मुसलमानों का ढोंग रचाने से क्या फ़ायदा और क्यों कर रही है ऐसा बीजेपी, ये देश के सामने बताए सरकार।